आ गए, कैसे आप लोग। तो आज हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही गर्व का दिन है क्योंकि आज चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ये 2:43 पर एग्जैक्ट टाइम में लॉन्च किया गया है और इसके बाकी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। तो चंद्रयान 2 मिशन को जिस रॉकेट के मदद से भेजा गया है उसका नाम है बाहुबली। बाहुबली इसका निकनेम है लेकिन ओरिजिनल नाम है GSLV Mark 3 और इसका कैपेसिटी है 4000 kg। इस बार चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल होगा जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर। जो लैंडर का नाम है वो है विक्रम। ये नाम दिया गया है विक्रम साराभाई के नाम से जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहा जाता है। और जो रोवर उसका नाम है प्रज्ञान। और ये तीन मॉड्यूल का एक साथ वेट है 3850 kg। चंद्रयान मिशन को 22 जुलाई मतलब आज 2:43 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। तो ये रॉकेट स्पेस में जाने के बाद जैसे ही रॉकेट से अलग होगा तो पहले अर्थ के आसपास लगभग 5 बार ये घूमेगा और घूमते घूमते धीरे धीरे चांद के पास जाता रहेगा और लगभग 19 दिन बाद ये चांद के ग्रेविटी में आ जाएगा। और जैसे ही ये चांद के ग्रेविटी में आ जाएगा तो इसका जो ऑर्बिटर है वो लैंडर को इजेक्ट कर देगा। ये लैंडर चांद के स्काई में 4 दिन तक रहेगा और चांद के पूरे सरफेस और लैंडिंग स्पेस का स्कैनिंग करके धरती पे भेजता रहेगा। धरती के इसरो जो साइंटिस्ट है वो एग्जैक्ट लैंडिंग लोकेशन जब विक्रम लैंडर पे भेजेंगे तो वो लैंडर धीरे से लैंड करेगा। जब ये लैंड करेगा तब इसका स्पीड होगा 3.6 km/h, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग होगा। इसके पहले चंद्रयान 1 ने हार्ड लैंडिंग किया था। हार्ड लैंडिंग मतलब लैंडिंग करने से जो इम्पैक्ट होगा उस इम्पैक्ट को एनालिसिस करके पता चलेगा कि अर्थ के जो सॉइल है उसमें पानी है या फिर नहीं। लेकिन इस बार पूरा सॉफ्ट लैंडिंग होगा, मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल मिशन है। लैंडर जब मून के सॉइल पे लैंड हो जाएगा तब धीरे से जो रोवर है वो निकल जाएगा और ये रोवर चांद के सरफेस पे बहुत ही धीरे धीरे इधर उधर घूमता रहेगा जिसका स्पीड होगा 1 cm/s। और ये जो लैंडिंग ये होगा साउथ पोल में, चांद के साउथ पोल इलाके में होगा। और ये लैंडर और रोवर अगले 14 दिन तक अपना मिशन कंप्लीट करेगा, मतलब चांद के सरफेस का एनालिसिस करके वो पूरा डेटा अगर के धरती पर भेजता रहेगा। जैसे ही 14 दिन हो जाएगा ये लैंडर और रोवर का मिशन खत्म हो जाएगा लेकिन जो ऑर्बिटर है उसका मिशन अगले 1 साल तक चलता रहेगा। और इस बार इस मिशन से जो इंफॉर्मेशन पाने की उम्मीद है वो है चांद के टोपोग्राफी क्या है, एलिमेंट वाटर और कहाँ पर है, आइस कहाँ पर है और दूसरे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। अगर ये मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट होगा, जो कि मुझे पूरा उम्मीद है कि सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, तो हम इसे ऐसा कह सकेंगे कि दुनिया का ये पहला कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल में एक सॉफ्ट लैंडिंग किया है और पहली बार में सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो उम्मीद है आपको पूरा पता चल गया होगा कि चंद्रयान 2 मिशन क्या है और इस मिशन का काम क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।